जी, ये क्वेश्चन नंबर 8, कंस्ट्रक्ट अ पैरालेलोग्राम। ये पैरालेलोग्राम बनानी है ए बी सी डी। ये पैरालेलोग्राम ऐसी होती है जी जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो है ना वो पैरेलल होती हैं, यानी ये वाली साइड और ये वाली पैरेलल है। इसी तरह ये डबल एरो वाली साइड इस डबल वाले के पैरेलल है, और इसमें ये वाला एंगल 90 का नहीं होता। अगर ये एंगल 90 का हो जाए तो फिर सारे एंगल ही 90 के हो जाएंगे, फिर इसका नाम बन जाएगा रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में ये चीज सेम होती है कि ये वाली साइड जितनी लेट 5 है तो ये भी 5 है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये 8 है तो ये भी 8 ही होगी, ये भी इक्वल होती हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि रेक्टेंगल में ये एंगल 90 के होते हैं सारे, और पैरेललोग्राम के एंगल 90 के नहीं होते। और उन्होंने कहा डायगनल उसके 6 सेंटीमीटर होगा, 8 सेंटीमीटर भी होगा। दो डायगनल देखें, इसके डायगनल की लेंथ भी डिफरेंट है, एंड द एंगल बिटवीन देम 70, और उनके दरम्यान एंगल भी 70 है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे स्क्वेयर के लिए कर रहे थे, और फिर इसी का आपने ऐसे ना कट करके ये मिड पॉइंट ढूंढना है, ये वाला जो आप जिसको कहते हैं राइट बाय सेक्टर। फिर इसके साथ आपने एंगल बनाना है इधर, जिन्हों इतना इन्होंने कहा है 70 डिग्री का, यहाँ 70 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये 70 डिग्री पे आपने एक और डायगनल ड्रॉ कर देना है इसका। इस तरह एक ये डायगनल होगा, एक ये होगा। इस तरह यहाँ रख के हमने ना 4 सेंटीमीटर पे कट करना है, इधर भी 4 पे कट करना है, तो ये पॉइंट मिल जाएंगे। इस तरह हमने ऐसे इसको मिला देना है, इसको मिला देना है, इसको मिला देना है, और इसको, हमारी इस तरह की पैरालेलोग्राम बन जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले ये डायगनल ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर, और इस डायगनल का नाम हम रखेंगे ए सी। देखे ना, अगर ए बी रखेंगे ये साइड होती है, जबकि उन्होंने डायगनल दिया है, डायगनल का नाम एक छोड़ के आता है, यानी ए से डायरेक्ट सीधा जाता है सी तक। तो ए सी ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर। जी, ए सी 6 सेंटीमीटर आई। हमारा नेक्स्ट टारगेट है इसी लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करना, तो वो हम ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हाफ से ज्यादा कंपास खोल के एक ऊपर आंख लगा देनी है आपने, और एक आंख नीचे लगा देनी है। इसी तरह फिर ए पे रखना है आपने, तो एक इधर आंख लगाई, एक इधर, और इन डॉट्स को जब आपने ऐसे ज्वाइन करना है ना, ये मिड पॉइंट आएगा। हमें चाहिए ही मिड पॉइंट था, तो ये मिड पॉइंट फाइंड हो गया। लेट मैं इसका नाम एम रख देता हूँ, आपको ये याद रहेगा कि मिड पॉइंट है। अब हम इस मिड पॉइंट पे 70 का एंगल ड्रॉ करेंगे। ये एंगल ड्रॉ करने के लिए आपने ये डी यूज करनी है, उसके लिए ये डी का जो क्रॉस है ये इसी मिड पॉइंट के ऊपर आए, और ये जो नीचे वाली लाइन है वो लाइन के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर हो। आपको अगर समझ आ रही है तो प्लीज देखें जरा गौर से। जी, ये अभी भी मिस्टेक थी, अब ठीक है, ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, 70 का एंगल बनाना है। यहां से इधर आए, जीरो से काउंट करते हैं, कई बच्चे गलती करते हैं, वो 180 170 इसको काउंट कर लेते हैं। आपने जब भी एंगल काउंट करना है जीरो से, ये देखें जी, यहां से जीरो पे है, 0 10 20 30 40 50 60 70। अब यहाँ 70 पे एक मार्क लगा दीजिए। जी, ये निशान लगा दिया, ये हमारा यहाँ से 70 का एंगल उधर को बन गया। अब आपने क्या करना है, ये वाला जो मिड पॉइंट था इसको, और वो जो हमारा 70 एंगल का ये मार्क लगा है निशान, इनको आप ज्वाइन कीजिए ऊपर को भी, और इसको नीचे को भी ऐसे प्रोड्यूस कर दीजिए। ठीक हो गया जी। ये हमने क्या किया है, डायगनल बना दिया है। एक फर्स्ट डायगनल था 6 सेंटीमीटर, ये सेकंड वाला डायगनल जो है ये है 8 सेंटीमीटर, और इसको 8 करने के लिए आपने 4 सेंटीमीटर की ऐसे कंपस खोल लेनी है, और इस कंपस को इस एम पॉइंट को सेंटर बना लेना है, यानी एम पॉइंट पे रखना है। इसको आपने ऐसे इंटरसेक्ट करना है, ये ऊपर को भी 4 होगी और ये इस तरह से नीचे को भी 4 होगी। अब हमने ये 4 4 सेंटीमीटर, यानी 4 इधर को है 4 इधर को है, टोटल 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का डायगनल बन गया है। अब ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे बी, इसका नाम सी, और इसका नाम है डी। आगे बच्चों आपको पता है कि क्या करना है, बोलिए क्या करना है। वेरी गुड, ज्वाइन करना है जी, हमने बी को ए से और सी से, और डी को भी ए और सी से ज्वाइन कर दें। जी, सी को बी से ज्वाइन किया, और अब बी को ए से ज्वाइन कर देंगे, और इसी तरह अब डी को हमने ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए देखिए, मैं पहले पेंसिल रख लेता हूँ, फिर स्केल साथ लगा देता हूँ, दूसरी तरफ से स्केल एडजस्ट किया,
और ये इस तरह से बन गई। अब रह गया सी और डी को ज्वाइन करना, तो क्या करेंगे, डी पे पेंसिल रखी और सी के साथ स्केल ऐसे बिल्कुल बराबर किया और इस तरह इनको ज्वाइन किया, तो ये आपकी पैरेललोग्राम तैयार होगी। इसकी एक डायगोनल 6 सेंटीमीटर और ये वाला जो डायगोनल है ये है 8 सेंटीमीटर, तो हम इस तरह लिखते हैं। और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है ये है 70 डिग्री का। और इसी किस्म का एक क्वेश्चन देखिए, ये है रिव्यू एक्सरसाइज में, कहते हैं पैरेललोग्राम ए बी सी डी हुज डायगोनल्स आर, एक डायगोनल है 5 सेंटीमीटर का और दूसरा है 9 सेंटीमीटर का, एंड इंक्लूडेड एंगल यानी उनके दरमियान एंगल 80 का बनाना है। तो ये वैसे ही है, पहले 5 सेंटीमीटर की बनाएंगे आप, फिर उसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट पे एंगल बनाएंगे 80 डिग्री का, फिर उसके ऊपर आपने ये 9 है ना, तो इसका हाफ बनेगा 4.5, 4.5 की आर्क लगाएंगे, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में यहाँ से ऊपर को 4 की लगाई थी, और अब आप 4.5 की लगाएंगे ताकि 4.5 ऊपर होगा, 4.5 नीचे होगा, तो टोटल डायगोनल बन जाएगा 9 सेंटीमीटर का।